आज बहुत हर्ष का विषय है कि मैं बिहार से बहुत हूँ। कर्नाटक में बिहारी समाज के बीच में उपस्थित हूँ और यह संपर्क जैसा कि राकेश जी ने बताया पिछले दो महीनों के अंदर हुआ है। ये किताब है इंडिया रिविजिटेड, यह 2016 में छपी थी। इसकी भूमिका लिखी थी भारत के पूर्व न्यायाधीश जी बी पटनायक साहब। दूसरी किताब मेरी अयोध्या पर आ रही, इतनी मोटी आ रही है। इसकी भूमिका लिखवाने के लिए मैंने पूछा कि किनसे लिखवाओ, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने वकील थे सबों ने कहा कि विक्र चलैया साहब से अच्छा बड़ा विद्वान और उनसे प्रतिष्ठित कोई न्यायाधीश नहीं उनके पास चाहिए। तो मैं डरा हुआ आया था, इसलिए उनसे कोई परिचय नहीं था। वो कौन बात थी, उन्हीं के निर्णय पर एक साल से सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का आवश्यक अंग है या नहीं। तो मैंने सोचा था कि मुझे डांटे कि मेरे ही निर्णय पर बहस हो रही है, आप किसे कह रहे हैं, किताब लिखवाई। फिर मैं आया, बहुत से मिलने के बाद उत्साहवर्धन हुआ। उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, उसी के लिए मुख्यतः आया हूँ। परसों उनसे उनका ओपिनियन जो है फॉरवर्ड है अपनी किताब पर लेकर के ले जा कर के लौटूंगा। संस्कृत में एक नाटक है हनुमान नाटक, उसमें का श्लोक है, अब समय कम है जैसा बताए जा रहे थे कि मैं तो दीर्घ इसी के लिए चलता हूँ। उसमें ऐसा लिखा है, हनुमान जी जब लंका से लौट रहे हैं हाथ में चूड़ामणि है और प्रसन्न है, उन्होंने सीता माता का पता लगा लिया। वे सोचते हैं कि कहाँ उत्तर में अयोध्या, कहाँ दक्षिण में किस किस जाते उत्तर जहाँ से हम लोग आते हैं, कहाँ है राजकुमार और कहाँ है वनवासी। यदि उन्हें वनवास नहीं हुआ होता तो वनवास में तो वे अयोध्या छोड़कर बाहर निकल जाते। फिर उन्होंने कहा कि वनवास में यदि कैकेयी ने दंडकारण्य नहीं मारना होता तो वे दक्षिण में नहीं जाते। यह बात वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है कि कैकेयी ने जो वनवास मांगा था 14 वर्षों का, वो दंडकारण्य ने नहीं मांगा था, वो स्वामी तुलसीदास जी ने यह बात छोड़ दी है, इसलिए लोग नहीं जानते। लेकिन कैकेयी ने जो वनवास मांगा था वो दंडकारण्य ने मांगा था, ये तो भगवान वनवास में यहाँ से अयोध्या से नहीं सारण्य जाते हैं या हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं। कैकेयी की गणना थी कि वहाँ कर्णभूषण का राज्य है, ये 14 साल रहेंगे तो कर्णभूषण द्वारा मार दिए जाएंगे तो भरत का राज्य निष्कंटक हो जाएगा, इसलिए उसने दंडकारण्य में वनवास मांगा। इसलिए हनुमान जी सोचते हैं कि कैकेयी ने दंडकारण्य में वनवास नहीं मांगा होता तो ये भगवान राम इधर नहीं आते, और इधर आए भी तो सीता माता का अपहरण नहीं हुआ होता तो ये नहीं खोज अन्वेषण दल नहीं बनता। और अन्वेषण दल में भी दक्षिण दिशा ये अन्वेषण का मैं नायक बनाया गया, इसलिए कहते हैं विधाता जिससे जो काम लेना चाहता है उसको निवेश बनाता है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा कि मैं रहने वाला बिहार का तो था, लेकिन जैसे राकेश जी यहाँ कर्नाटक कार्य के आईएएस से मेरा अलॉटमेंट गुजरात चुका था और मैं बहुत प्रसन्न था। वहाँ मैंने नौकरी की शुरुआत की थी आनंद से, जहाँ दूर वहीं मैं ये सी, उसके बाद उसी जिले में मैं और बाद में जब बिहार आया उस समय अहमदाबाद शहर में डिस्ट्रिक्ट,
आधा शहर इस डिवीजन का मैं डीसीपी था और इस डिवीजन के भी बिहार के एक सिन्हा साहब थे, सिंह सिन्हा साहब जो गुजरात के डीसीपी थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई, मैं वो कहना नहीं चाहूंगा, वो विषयांतर हो जाएगा, कि मैं गुजरात से बिहार चला। बिहार भी गया तो मैं चार जिलों में रहा, लेकिन जब मैं पटना का एसएसपी बना तब तक मैंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देखा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी थे, क्योंकि मुझे उनसे कोई काम नहीं था। फिर मेरे जिले में भी आए थे तो विद्यालय में नहीं आए थे, कई और जगह आते थे, चले जाते थे। और जमाना दूसरा था जब हम लोग नहीं जाते थे, चेहरा भी नहीं देता था। उनको राजीव गांधी जी ने 3 महीने की मोहलत दी थी गौ इंद्र सुधारने के लिए, तब मेरी सुधार दी थी मुख्यमंत्री। और वो भी जब मैं गया उस समय मुझे लगता है कि 4 या 5 महीने मेरे डेपुटेशन के बचे हुए थे। मैंने बहुत काम किए, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि नेता लोगों ने मुझे गाड़ी जाती है तो मैं कोई चुनौती देता है, मैं बहुत अपने में सीमित रहने वाला व्यक्ति हूँ, जब कोई चुनौती देता है तो मैं लगता हूँ और तब फिर मैं रह करके इस महावीर मंदिर से। कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं गुजरात कैडर में रहता या मेरा डिप्रेशन पूरा हो गया होता या मुख्यमंत्री से जैसा मैं कभी मिला नहीं था तो राजीव गांधी की चेतावनी नहीं रहती तो मैं पटना का एसएसपी नहीं होता। और एक बार बदलाव में जब रोहतास का एसपी था, एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, उन दिनों तो वेतन भी बहुत कम हुआ करता था, हम लोग स्लीपर क्लास में एसपी होकर के चलते थे, तो दो लोग गप कर रहे थे, बोल रहे थे कि जो पटने में पीएमसीएच को और महावीर मंदिर को सुधार देकर उसको स्लीप साथ दे सकते, ये बात मेरे दिमाग में थी जब मैं एसएसपी था। तो संयोग से पटना का महावीर मंदिर है। अभी इस साल हमने 212 करोड़ रुपए का बजट धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपा है। यहाँ 5 बड़े अस्पताल चलते हैं, कैंसर अस्पताल देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, 500 बेड का हॉस्पिटल है, 500 मरीजों को हम लोग तीनों शाम करते हैं। ब्लड हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता होगा, 100 रुपए में हम लोग एक ब्लड डोनेट देते हैं। अटेंडेंट जो है वो 30 रुपए में भोजन देते हैं और 18 साल तक के बच्चों को मुफ्त उपचार इलाज करते हैं और कोशिश करने जा रहे हैं कि 35 साल तक के जो मरीज हैं उनको ये सुविधा मिले। दूसरा हम लोगों का वात्सल्य अस्पताल है, वो भी मैं समझता हूँ उत्तर भारत के सबसे बड़े 2-3 अस्पतालों में होगा। 60 नीको बेड, 60 पर हर एक पर एक एक वेंटिलेटर है, 60 वेंटिलेटर वाले अस्पताल दक्षिण भारत में भी कम होंगे, उत्तर भारत में बहुत होंगे। इसी तरह का आरोग्य संस्थान है, सबसे पहला हॉस्पिटल बना था और वहाँ सब गरीब मरीजों का इलाज होता है। डॉक्टर सी मिश्रा जी डायरेक्टर है, पता नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, तो सब गरीब लोगों को का इलाज रोज करते रहते हैं, हर बीमारी का वहाँ इलाज होता है। एक नेत्रालय है और एक हृदय अस्पताल हार्ट हॉस्पिटल है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और विराट रामायण मंदिर की योजना ली है, जो शायद सबसे बड़ा देश दुनिया का मंदिर हो, रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो महावीर मंदिर अपने आप में सर्वसमर्पण, हनुमान जी का वहां ऐसा प्राबल्य है, उनकी ऐसी कृपा है, तो हम लोग जो चाहते हैं वो हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, 2 बार आए, कैंसर हॉस्पिटल देखा, 7 मंजिले का कैसे बन गया,
मंदिर के पैसे से बना, हमने कहा यहाँ मंदिर के पैसे से हम एक चौथाई लगाते हैं, तीन चौथाई फसल में आए थे, एक एक करके ताजुब कर रहे थे, इतना पैसा आ जाता है, हमने कहा क्या जाता है, इतना कैसे आ जाता है। हमने कहा इस समय मुझे सर द्रौपदी का छह पात्र है और छह पात्र से कोई हम लोगों को साल में 10 करोड़ 15 करोड़ जितने का उपकरण किसी अस्पताल में खरीदना होता है ना नहीं करते सर की पूंजी बढ़ा इसलिए महावीर मंदिर की ओर से जितने हम लोगों ने और हम जानते हैं जब वो ट्रस्ट बना था तो महावीर मंदिर की आय जो दिखलाई जाती थी 11,000 रुपये सालाना था और उस महावीर मंदिर की आय बढ़ती गई और इस वर्ष हम लोगों ने 212 करोड़ का बजट भेजा है मंदिर और अस्पताल। इस लड्डू की बात कर रहे थे हम लोग निवेदन बनाते हैं, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ इसलिए थोड़ा नैवेद्य और प्रसाद में अंतर बदला था। नैवेद्य वो होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान का भोग है, और प्रसाद उसको कहते हैं जो भगवान ने ग्रहण कर लिया तब जो दिया जाता है वो प्रसाद है। तो तिरुपति में जो बंटता है वो प्रसाद है, ये भगवान को चढ़ाया अर्पित किया गया उसके बाद वो बंट रहा है इसलिए वह प्रसाद है। हमारे यहाँ जो है वो भोग है, यानी वो भगवान का है, आप खरीदिए भगवान को चलाइए तभी आप कहीं दे सकते हैं। तो हम लोगों ने नैवेद्य प्रारंभ किया, ये काउंटर है, कहीं उस पर लिखा रहता है कि यह भगवान का भोग है उनको अर्पित किए बगैर, पहले तो लिखते थे पाप है, बहुत लोगों ने कहा कभी कभी नहीं चढ़ा पाते हैं इसलिए पाप शब्द हटा दिए थे, तब हम लोग लिखते हैं कि भगवान को अर्पित किए बगैर नहीं इसका उपभोग करें। तो उसमें पिछले साल 20 करोड़ का लड्डू बिका, एक काउंटर कई हम लोगों की दूसरा काउंटर नहीं है, 8 करोड़ का मुनाफा हुआ है। और अभी एक दिन हमारे सब दक्षिण सही थे तिरुपति के हिंदू थे, उसे शास्त्री ने उसका किया है, एक दिन उससे शास्त्री को कहा कि लाख हम लोग क्रीम सामने लेते हैं घी बनाते हैं तब भी मुझे लगता है कि तिरुपति का स्वाद हमारे नैवेद्य में नहीं है, क्या कारण है। उसने कहा घी है, हमने कहा घी क्यों, क्रीम लेते हैं सामने गर्म कराते हैं घी बनवाते हैं फिर हम लोग एक रखे हुए मशीन टेस्ट करते हैं 99.8 से कम परसेंटेज से कम शुद्ध होता है नहीं सर। तो कहा कि नहीं सर इधर उत्तर भारत में दूध से क्रीम और क्रीम से घी बना लेते हैं, हम लोगों के दक्षिण भारत में दूध से दही, दही से फिर जो हम लोगों के देहात में भी गांव में भी वही बनता था छाली कहिए या मक्खन कहिए उससे घी बनता है, इसलिए तिरुपति में भी वैसा ही बनता है। तो हमने कहा कि पता करो कहाँ पर ऐसा बनता है, तो मालूम है कर्नाटक एक मात्र ऐसा देश है जहाँ केवल गाय के घी का सब कुछ बनता है दही। हमने कहा कि मंगाइए, तो हम लोगों ने 3 ट्रक 1 महीने का मंगाया 1 किलो वाले ट्रक के लिए, लेकिन डर था कि लोग भैंस के घी का अभ्यस्त है कि गाय के घी का हम लोगों ने नहीं मेरे डाल दिया पसंद नहीं करे तो हंगामा हो जाएगा कि क्या अपने टेस्ट बदल दिया, इसलिए 1 महीने तक पर्ची के साथ दिया यह गाय के घी का जो बना हुआ नैवेद्य है आप